खंडवा सहित प्रदेश में सबसे कम रेट पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य कराने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा बड़ा बंपर ऑफिस में विजिट करें। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रमजानुल मुबारक का पाक महीना चल रहा है और अगर 29वीं रमजान को चांद नजर आता है तो खंडवा शहर में ईद उल फित्र का त्यौहार 22 अप्रैल को मनाया जाएगा और साथ ही खंडवा शहर के तमाम मसाजिद के अंदर ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाएगी। खंडवा ईदगाह पे जो मुख्य नमाज है वो सुबह 9:30 बजे का वक्त रखा गया है। वहाँ पर कसीर तादाद में नमाजी ईद उल फित्र की नमाज पढ़ने आते हैं। साथ ही जामा मस्जिद जो शाही जामा मस्जिद है खंडवा में, वहाँ पर 8:45 पर ईद उल फित्र की नमाज होगी। मोती मस्जिद कहारवाड़ी सुबह 8:30 बजे वहाँ पर नमाज होगी। इमलीपुरा मस्जिद में 8:45 पे ईद उल फित्र की नमाज होगी। साथ ही मदीना मस्जिद में 9 बजे और खड़कपुरा में 8:30 बजे ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाएगी। साथ ही शहर की मुख्तलिफ 40 से ज़ायद मसाजिद में ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाएगी। मैं आपके माध्यम से तमाम शहरवासियों को ईद की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और साथ ही ये आप लोगों से अपील और गुजारिश करना चाहता हूं कि चूंकि रमजानुल मुबारक का महीना बड़ा मुबारक होता है, इसमें हम लोग इबादत करते हैं, दिन में रोज़ा रखते हैं, रातों को इबादत करते हैं। हमको पुरसकून माहौल में ईद उल फित्र का त्यौहार मनाना है, हर्षोल्लास के साथ मनाना है और हमारे मुल्क के लिए, हमारे शहर के लिए अमन व अमान की दुआ करना है ताकि इस मुल्क के अंदर हम सभी मजहब के लोग जो है इस त्यौहार को हंसी खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाएं। गरीब का आशियाना हो या अमीर का महल, हम सब बनाते हैं। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। मध्य प्रदेश के सबसे कम रेट पर कंस्ट्रक्शन के कार्य के लिए एक बार जरूर संपर्क करें।